नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा, आरएसएस और मीडिया पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने भाजपा और मीडिया को दलित आदिवासी विरोधी करार दिया है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बस्तर नगर पंचायत के लाल बहादुरपुर शास्त्री मैदान पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में अभी हो रही चुनाव में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और ईडी अलायंस जो लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, अडानी और आरएसएस के लिए काम करते हुए देश के संविधान को खत्म करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। धनेंद्र साहू जी, फूलो देवी नेताम जी, लकेश्वर बघेल जी, हमारे कैंडिडेट कवासी लखमा जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। दंतेश्वर माया की जय, माता की जय, गंगा देवी माता की जय। आपके सामने चुनाव है और दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस जो लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, अदानी जी, आरएसएस जो संविधान पर, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी ने आदिवासी शब्द को बदलने की कोशिश की। हम आपको आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं। वनवासी में और आदिवासी में जमीन आसमान का फर्क है। आदिवासी का मतलब वो वर्ग जो इस जमीन का, जल का, जंगल का पहला और असली मालिक था। मतलब जब हिंदुस्तान में कोई और नहीं था तो आदिवासी यहां रहते थे, जंगल उनका, जमीन उनकी, जल उनका,